हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना आईटीआर फ्री में फाइल कर सकते हैं। और इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, इंडिविजुअल भी प्लान कर सकते हैं, या आपके पास आप बिजनेस चलाते हैं, लाइक आप ट्रेडिंग करते हैं या अपना खुद का बिजनेस है, ये सब भी एक साथ आप फाइल कर सकते हैं। दोनों, मान लो सैलरीड पर्सन भी और ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी फाइल कर सकते हैं। इंडिविजुअल मतलब केवल सैलरीड पर्सन है या केवल ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप फाइल कर सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, आप सारा प्लान कर सकते हैं। इसमें कह रहे हैं इजिएस्ट वे टू प्लान एंड प्रिपेयर एंड फाइल टैक्सेस फॉर इंडिविजुअल एंड स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, ये सिंपल से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के लिए आप गूगल पे लॉग इन कर लेते हैं या अपना खुद का ईमेल से यहाँ क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं, हाँ, ब्रोकर का ऑप्शन आ रहा है, आप ब्रोकर के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये भी ऑप्शन है। ओके, सेफ एंड सिक्योर है। तो अभी देखो, यहाँ पे गूगल से मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ओके, अब गूगल से लॉग इन करने के बाद यहाँ पे आ रहा है, देखो, फाइलिंग योर आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 2014 2024 टू 25 विल बी अवेलेबल सून। मतलब अभी ये लोग अपना सारा कोलेब्रेशन कर रहे हैं एपीआई, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, ताकि जो हो सकता है नए चेंजेस हो वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करें, तो ये 15-20 दिन बाद अवेलेबल हो जाएगा। मान लो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक अवेलेबल हो जाएगा, तब आप अपना आईटीआर इजली फाइल कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, अगर आप लॉग इन पहली बार कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड पूछेगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे जाएंगे तो पैन कार्ड में आप अपने डिटेल्स वगैरह डाल के जैसे फिल करेंगे, पहले आप पूछेगा पैन कार्ड डालिए, फिर नाम, फिर एड्रेस, ये सब पूछिए। जैसे इसमें आधार कार्ड मिसिंग है, मैंने नहीं डाला, तो आप अपना आधार कार्ड डाल के यहाँ पे जैसे सेव कर देंगे। मान लो कि कुछ भी नंबर डाल के सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगा। फिर बैंक अकाउंट, आप यहाँ पे फॉरेन अकाउंट यूज करते हैं या डोमेस्टिक अकाउंट, ये आ सकते हैं। टैक्स रिटर्न में कौन सा टैक्स आपको भरना है, क्योंकि भरना है आपको प्रीवियस नहीं भरना है, हमें भरना है टैक्स फाइल करना है असेसमेंट ईयर 2024-25 का, लेकिन जो फाइल करेंगे टैक्स 2023 और 24 का होगा। ठीक है, क्योंकि पिछले साल हमने जो भी सैलरी लिया या अभी जो भी काम किया, जितने भी अर्निंग किया, जितना भी टैक्स दिया, वो सबका फाइलिंग असेसमेंट ईयर करेंट 2024 और 25 में होगा। ठीक, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी 200 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई है ट्रेडिंग में तो आपको प्रो प्लान लेना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज आप फ्री में कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, आपको सीए की दोनों की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आइए, लॉग इन कीजिए, अपना फॉर्म 16 अपलोड करिए। ठीक है, ऑटोमेटिक सब कुछ फिच कर लेगा ये। ठीक है, तो उसमें बताता रहेगा ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में डिफरेंसेस, जिसको देख के आप खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं किस में आपको फाइल करना है। आपका रिटर्न वगैरह सब कुछ ईजिली हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको आईटीआर फाइल करने में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब भी ये अवेलेबल हो जाएगा तब मैं फुल वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे कैसे वन बाय वन फाइल करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।